वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना, तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करेंगे VLOOKUP की, और हम आज VLOOKUP अप्लाई करेंगे मल्टीपल वर्कशीट्स में। इससे पहले हमने डबल VLOOKUP देखा था, और शीट्स की बात करें तो हमने एक शीट में देखा था, यानी कि एक शीट में, एग्जिस्टिंग शीट में तो हमने देखा ही था बेसिक लुकअप, और फिर हमने एक देखा था कि एक शीट में डेटा अप्लाई करें और जो VLOOKUP हम अप्लाई करें वो नेक्स्ट शीट में, यानी मल्टीपल वर्कशीट्स पे VLOOKUP हम कर चुके हैं इससे पहले, है ना, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल आपका डेटा शीट वन में है तो VLOOKUP हम अप्लाई कर सकते हैं शीट टू में। एग्जिस्टिंग में तो आपने सीखा है, इट्स ओके, बट अलग अलग शीट्स में VLOOKUP कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखना हमारे लिए जरूरी है। वर्कबुक पे भी हम आगे देखेंगे अलग अलग वर्कबुक पे कैसे VLOOKUP अप्लाई करते हैं। तो एक शीट से दूसरी शीट पे तो हमने अप्लाई करके देख लिया है, आज हम अप्लाई करेंगे मोर देन टू शीट्स, यानी हमारा दो शीट्स पे डेटा है और VLOOKUP हमें तीसरी शीट्स पे चाहिए, यानी दो शीट्स का डेटा आप एक सिंगल शीट पे ले सकते हैं। इवन आप चाहे तो तीन या चार शीट्स का भी डेटा एक सिंगल शीट पे VLOOKUP के थ्रू ले सकते हैं। तो बने रही वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि दो शीट्स का डेटा आप कैसे एक सिंगल वर्कशीट पे सर्च करा सकते हैं यूजिंग VLOOKUP। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि तीन शीट्स का डेटा भी आप VLOOKUP के थ्रू एक सिंगल शीट पे डेटा आप फेच कर सकते हैं थ्रू VLOOKUP फंक्शन। ओके, तो बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ट्यूटोरियल। यहां पर मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें मैंने लिया है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और फीस अमाउंट, कितना फीस वहां पे है उस कोर्स की। ओके, तो ये चार कॉलम्स हैं हमारे पास, और यही सेम डेटा तीनों शीट्स में अप्लाई होंगे, बट जो मतलब जो कॉलम हेडिंग्स होंगी वो सेम है, बट डेटा कंटिन्यूएशन में है। जो शीट वन पे है वो शीट टू पे नहीं होगा, नहीं, और जो शीट टू पे है वो शीट थ्री में नहीं होगा, और शीट थ्री पे भी डेटा अलग होगा, यानी तीनों शीट्स पे जो डेटा कंटिन्यूएशन में है, ओके, रिपीट नहीं है। जिस स्टूडेंट का डेटा शीट वन पे है उसका शीट टू पे नहीं होगा, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। ओके, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी डेटा देखेंगे जब VLOOKUP, देखिए जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको शायद समझ में ना आए VLOOKUP क्या होता है, तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि VLOOKUP के थ्रू हम बड़े से बड़े डेटा में अपने रिक्वायरमेंट के रिकॉर्ड को सर्च करा सकते हैं, जो भी हमको डेटा चाहिए। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है VLOOKUP। बाकी डिटेल में आपको जाना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। मैं अभी शीट वन पे हूँ। ओके, देखिए रोल नंबर है, ओके, A1 में, तो A1 में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम B1 में, कोर्स नेम C1 में, फीस अमाउंट D1, इतना डेटा हमारे पास।
हमारे पास है। A1. रोल नंबर में जाएंगे तो इसके नीचे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा जब, तो देखिए 101, 102, 102, रोल नंबर जरूर याद रखिए क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। 103, 104, 105, 106, 105, इतना डेटा हमारे पास शीट वन में है। ओके, अब इसी तरीके से स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट नेम है, अजय, करण, अरुण, महेश, दिनेश, ओके, ये स्टूडेंट नेम हो गया। कोर्स नेम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, इस तरीके से कोर्स नेम है। और फीस अमाउंट के नीचे इनकी फीस है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 and 5,000. ओके, ये हमारा शीट वन का डेटा है। अब मैं नेक्स्ट शीट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे शीट वन में रोल नंबर 101 से लेके 105 तक है डेटा। ओके, नेक्स्ट शीट में चलते हैं, शीट टू में। यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, फीस अमाउंट। अब यहाँ पे रोल नंबर देखिए 106, 107, 108, 108, 109, 109, 106, यहाँ 106 से लेके 109 तक हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है। ओके, स्टूडेंट नेम अनायारा, अवन्या, इनायत, अयांश, इतने लोग हैं। कोर्स नेम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह कोर्स नेम है। फीस अमाउंट D1, फीस अमाउंट में 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, D5. देखिए मैंने डेटा ऐसा लिया है जो कि समझ में आ जाए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है तब आप किसी भी डेटा पे इस फंक्शन को अप्लाई कर पाएंगे। ये शीट टू का डेटा हो गया। अब हम चलेंगे शीट थ्री में। मैं कंट्रोल पेज डाउन यूज कर रहा हूँ एक शीट से दूसरे शीट पे जाने के लिए। नेक्स्ट के लिए कंट्रोल पेज डाउन और रिवियस के लिए कंट्रोल पेज अप। ये कमांड है शीट टू शीट नेविगेट करने का। अब देखिए यहाँ भी रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है, फीस अमाउंट D1 और फीस अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल नंबर। अब याद रखना इनको, ठीक है, 110 A2 110, ओके, पहला यहाँ शुरू हो रहा है 110, 111 A3 111 112 113 113, चार लोगों का डेटा यहाँ पे है। स्टूडेंट नेम के नीचे विराट, राहुल, श्रेयांश, प्रियम, ये है नेम है। कोर्स नेम के नीचे एग्रीकल्चर, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, फिजिक्स C4, फिजिक्स C5, बॉटनी, लैंड C6, एट कोर्स नेम्स, फीस अमाउंट D1, फीस अमाउंट के नीचे 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 13,000, ओके, तो डेटा आपने फर्स्ट सेल रोल नंबर देख लिया है। इसमें क्या है कि पांच लोगों का रिकॉर्ड शीट वन में है, उसके बाद कंटिन्यूएशन में चार लोगों का रिकॉर्ड शीट टू में है, एंड नेक्स्ट चार लोगों का डेटा शीट थ्री में है। इस तरीके से हमारा डेटा है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट फोर में चलेंगे हम। देखिए शीट फोर में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम हेडिंग्स मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, स्टूडेंट रोल नंबर A1, रोल नंबर स्टूडेंट नेम B1, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम C1, कोर्स नेम, फीस अमाउंट D1, ओके, लैंड D2, फीस अमाउंट लैंड C2, ये जो ब्लैंक है। अब इनके नीचे हमें VLOOKUP को यूज करके डेटा को सर्च करना है। ओके, मैंने कॉलम हेडिंग्स डाल दिया जिससे कि एक ये प्रोफेशनल होता है। ओके, अब
यहां पे हम क्या करने वाले हैं, रोल नंबर हम एंटर करें और रोल नंबर एंटर करते, मान लो जैसे हम 101 रोल नंबर एंटर किया, तो जिसका भी है स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का भी रोल नंबर है ये, उसका नाम, किस कोर्स में है, कोर्स नेम आ जाए और फीस अमाउंट आ जाए, ये हम करने वाले हैं यूजिंग वे लुकअप। ओके, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है आपको। तो हम वे लुकअप अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 101 A2, देखिए यहाँ पे 101 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और A2 में हमारी जो A2 में हम एंटर करेंगे और राइट के सेल्स में हमारा जो वो रिकॉर्ड है वो आता जाएगा अपने आप। ओके, तो 101 मैंने रोल नंबर डाला, तो मैं एक बार यहाँ पे राइट और प्रेस करता हूँ, स्टूडेंट नेम है इसके नीचे, देखिए अजय आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है स्टूडेंट नेम के नीचे, 101 A2 लेकिन कोर्स नेम के नीचे ब्लैंक है, फीस अमाउंट के नीचे भी ब्लैंक है, तो मैंने स्टूडेंट नेम के नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना, 101 A2 101 है, यहाँ F2 करते हैं, यहाँ मैंने F2 किया एडिट मोड में आने के लिए। अब मैं होम प्रेस करूंगा, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ है। ओके, अब राइट एरो, राइट और लेफ्ट एरो से आप फॉर्मूला एक एक कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। इक्वल साइन, उसका वी लुकअप, ये तो आपको पता ही है, वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट शिफ्ट प्लस 9 से। अब यहाँ पे देना है हमें लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे A2। ओके, तो यहाँ पे हम मैंने आपको सिखाया था स्मार्ट वीलुकअप कैसे यूज करना है, तो हम यहाँ भी स्मार्ट वीलुकअप का ही यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ज्यादा फास्ट है ना। तो अब लुकअप वैल्यू हमें देना है A2, तो देखिए कैसे दिया है, $A$2 कॉमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे कैसे देना है, देखिए मैंने यहां पर क्या किया है कि तीनों शीट्स में जितना भी डेटा है उसको मैंने एक सेल रेंज दे दिया है। आप यहां मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं कि जहां से जहां जो भी सेल रेंज है आप वहां पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है तो इतना क्यों मेहनत करना। ओके, कम मेहनत ज्यादा प्रॉफिट वाली बात है यहाँ पे। ओके, और इससे यह है कि टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है। ओके, तो मैंने सेल रेंज को हर शीट में सेल रेंज को एक नेम असाइन कर दिया है। जैसे शीट वन में जो शीट वन का डेटा है उसको मैंने असाइन किया है कोर्स वन, शीट टू का जो डेटा है उसको मैंने असाइन किया है कोर्स टू, एंड शीट थ्री के डेटा को मैंने असाइन किया है कोर्स थ्री। इस तरीके से मैंने सेल रेंज को एक नेम असाइन कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे सेल रेंज यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सेल रेंज टाइप करेंगे शीट वन का, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वहाँ पे A1 से लेके D5 तक डेटा है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा टेबल एरे में $A$1:D$5। ओके, तो ये इतना टाइप करके मैंने इसको दे दिया है सेल रेंज को, मैंने नेम असाइन कर दिया है कोर्स वन। ओके, ये अब सेल रेंज को कैसे नेम असाइन करना है इस पर भी ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें टेबल एरे देना है। अभी हम देख रहे हैं कि अभी मैं शुरू में आपको दिखा रहा हूं कि शीट वन और शीट टू का डेटा हम यहाँ पे लाएंगे, यानी अभी हमने शीट थ्री को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो अभी हम चाहते हैं कि शीट टू और शीट वन, यानी 101 से लेके 109 तक अगर हम रोल नंबर एंटर करें तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो आ जाए हमारे पास। ओके, तो 101 से लेके 105 तक शीट वन में डेटा है, 106 से लेके 109 तक शीट टू में है। तो यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू तो दे दिया हमने A2, अब कॉमा करने के बाद जब टेबल एरे देना है, अगर एक शीट होती तो हम सिंपल
कोर्स वन टाइप कर देते या फिर रेंज दे देते $A $1:D$5। बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शीट्स का डेटा आना है, तो अब यहाँ पे आपको एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो है फंक्शन इफ। इफ फंक्शन को मैंने अच्छे से समझाया डिटेल में, अब जाके एक्सेल वाला जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर हम एक और फंक्शन यूज करने वाले हैं इफ। कैसे, देखिए कैसे यूज किया है ये हम देखते हैं अभी। लुकअप वैल्यू दिया हमने, ओके टू कॉमा। अब लुकअप वैल्यू देखिए, टेबल एरे की बात आ रही है, तो देखिए कैसे इफ 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 अब लेफ्ट पैरेंट से स्टार्ट, इफ इफ का लेफ्ट पैरेंट इफ का ही है डॉलर ए डॉलर टू, इफ डॉलर ए डॉलर टू, यानी जो इसको कांस्टेंट बनाया जिससे कि कॉपी पेस्ट करने में सेल रेंज सेल नंबर में कोई चेंज ना आए कॉलम और रोज में, ओके तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना। टू इफ ए टू लेस इक्वल्स 105। अगर ए टू में 105 या फिर उससे कम रिकॉर्ड एंटर हो तो क्या हो, कॉमा सी ओ यू आर एस ई वन कोर्स वन, यानी ए टू में 101 से लेके 105 तक अगर हम रोल नंबर एंटर करें, कोर्स वन का डेटा, कोर्स वन का रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास। अदरवाइज देखिए यहाँ पे कंडीशन है दो, एक कंडीशन तो हमारी ये है, इफ में कंडीशन देते हैं ना हम, एक हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये कि अगर ए टू लेस इक्वल लेस देन इक्वल 105 तो कोर्स वन आ जाए, अदरवाइज कॉमा करके वन कोर्स वन कॉमा फिर उसके बाद कॉमा कोर्स टू सी ओ यू आर एस ई टू कोर्स टू और इफ का राइट पैरेंथेसिस क्लोज राइट पैरेंथ क्लोज इफ का, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई ये दो, ओके कॉमा कॉमा सी ओ एल। अब ये कॉलम फंक्शन है, ये हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है ना, यहाँ पे वी लुकअप का तो स्टूडेंट नेम कौन से नंबर पे है टू, तो देखिए यहाँ पे कॉलम फंक्शन है राइट पैरेंथ कॉमा कॉमा सी ओ एल यू एम एन एस स्मार्ट वी लुकअप है कॉलम्स। अब कॉलम्स का राइट पैरेंथेसिस स्टार्ट लेफ्ट पैरेंथ सॉरी लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट डॉलर डॉलर बी डॉलर वन डॉलर बी डॉलर वन कोलन कोलन सी वन सी वन, ओके इसको भी मैंने डिटेल में समझाया है। सी वन कॉलम फंक्शन क्या करता है, कॉलम को काउंट करता है, यहाँ पे डॉलर बी डॉलर वन है तो उस और डॉलर डॉलर बी डॉलर वन कोलन सी वन, तो इसका मतलब टू काउंट करेगा ये कॉलम फंक्शन। सी वन के बाद राइट पैरेंथेसिस क्लोज ये कॉलम फंक्शन का कॉमा कॉमा अब एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो जीरो राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथ क्लोज वी लुकअप का और एंटर एंटर लैंग बी थ्री अजय बी टू कंटेन्स फॉर्मूला। देखिए अजय आ गया नेम स्टूडेंट नेम बी वन अजय बी टू, अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी किया हमने कॉपी सिलेक्शन ऑफ क्लिप लैंग सी टू कोर्स नेम सी लैंग सी टू कोर्स नेम के नीचे पेस्ट कर देते हैं, पेस्टेड फ्रॉम क्लिपबोर्ड हिंदी सी टू देखिए हिंदी आ गया। द अदर पेस्ट ऑप्शंस फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड इज एस्केप lang d2 please amount d1 lang d50 c2 contain for me copy selection of clipboard lang d2 fees amount ke liye paste paste it from clipboard lang e2 dekhiye lang e1 please amount d1 fees amount aa gaya 1000 d2 1000 fees amount course name student role no a1 role number 101 101 kiska hai paste add content on escape lang a101 101 kiska hai ajay iska course name हिंदी 1000 का फीस अमाउंट है। इस तरीके से देखिए हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, चेंज करके देखते हैं रोल नंबर 101 की जगह हम कर देते हैं 103। देखिए 103 मैं राइट अरो प्रेस करता हूँ, अरुण देखिए चेंज हो गया अरुण उर्दू इसका कोर्स है 3000 फीस अमाउंट है, ओके इस तरीके से आप देख सकते हैं।
चल के देखते हैं हम शीट वन में ये थ्री है क्या, रोल नंबर थ्री को देख लेते हैं एक बार हम, ओके, इससे कि ज्यादा आपको मजा आएगा। अभी मैं शीट वन में आ चुका हूँ, रोल नंबर के नीचे मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, 101, 102, 103, A4, 103। देखिए मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, देखिए अरुण हमारे डेटा में है, इसका कोर्स नेम क्या है, उर्दू, देखिए वहाँ भी उर्दू आया था, 3000 का फीस अमाउंट है, ओके। तो चलते हम अगे अपने शीट फोर में, sheet 2, sheet 3, sheet 4, add to sheet D2, 8 cells, first cell, roll low, A1, okay, 103, 8, 103, run, B2, 103, अब हम, देखिए, मैं यहाँ पे डाउन, land, 8, 103, enter करता हूँ, 105, 105, enter किया, enter, land, 8, 105, 8, देखते हैं, right arrow press करूँगा, Dinesh, B2, देखिए, Dinesh, change हो गया, name, Punjabi, C2, Punjabi, इसका course name है, 5000, D2, contain form, land, E2, 5000, fees amount है, ओके तो देखा आप क्या कमाल का मतलब फंक्शन काम कर रहा है वेलकम। अभी देखिए सिंगल शीट से आ रहा है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ओके अब जो कमाल की चीज है वो देखिए, रोल नंबर में जो सेकंड शीट है 106 लेकर 109 वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, 106 में एंटर करता हूँ यहाँ पे रोल नंबर, 106 एंटर, एंटर लैंड A3, देखते हैं आया क्या शीट टू का डेटा, 106, 8, देखते हैं, देखते हैं शीट टू में है क्या अनायरा, 106 रोल नंबर का, शीट टू में आ चुके हैं, रोल नंबर के नीचे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, 106 A2, देखिए 106 रोल नंबर मैंने हमने एंटर किया था, राइट एरो प्रेस करता हूँ, देखिए हमारे रिकॉर्ड में अनायरा है और कंप्यूटर साइंस इनका कोर्स है, 6000 इसकी फीस अमाउंट है कोर्स की, ओके तो आपने आप देख रहे हैं कितना मतलब अच्छे से वीलुकअप काम कर रहा है। दूसरे शीट अगर उसको शीट वन में डेटा नहीं मिला तो वो शीट टू में, शीट टू से उसने डेटा ला के हमें दिया है वीलुकअप ने। चलते हैं वहीं पे शीट फोर में, start of loop sheet 3, end of sheet D5, sheet 4, end of sheet D2, 8 cells, zip first cell, roll low A1, roll number, okay, अब देखिए 106 A2, आप कुछ भी डालिए 109 तक आप कुछ भी डालिए, ये दे देगा 108, enter, enter, land A3, 108 A2, देखते हैं चेंज हुआ क्या, it is B2, देखिए इनायत चेंज हो गया, journalism C2, journalism इनका कोर्स है, 8000 D2, 8000 land E2, fees amount, okay, तो इस तरीके से देखिए काम कर रहा है। First cell, roll low. आप कुछ भी 109 डालिए। 108 A2, 109. 109. Enter, land A3. 109 A2. 109. Ayansh, B2, contains formula. Ayansh, देखिए आ गया। Information technology, C2, contains formula. Information technology. 9000, D2, contains land E2. ये है। First cell, roll low, 109 A2. 109. तो देखिए आ गया। अब sheet 3 का डेटा देखिए आएगा कि नहीं, मैं डालता हूँ यहाँ पे 11. शीट थ्रू में कहाँ से स्टार्ट है, 110 से रोल नंबर, रोल नंबर 110 यहाँ डालता हूँ, एडिट टाइप ऑफ टेक्स्ट 110, एंटर लैंड A3, 110 A2, देखिए अब मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, नंबर एंड स्लैश ए B2 कंटेन्स एरर, एरर आ गया, नंबर एंड स्लैश ए C2 कंटेन्स एरर, देखिए नंबर एंड स्लैश ए D2 कंटेन्स एरर लैंड E2, तीनों में एरर आ चुका है, स्टूडेंट नेम में भी और कोर्स नेम में भी और फीस अमाउंट में भी, क्यों, क्योंकि 110 फॉर्मूला में, क्योंकि जो शीट 3 के लिए है वो हमने फॉर्मूला में दिया ही नहीं है, ओके तो जैसा कि मैंने बताया कि शीट मैंने सेल रेंज को नेम असाइन किया है, तो शीट 3 के लिए मैंने जो रिकॉर्ड है शीट 3 में उसके लिए मैंने जो नेम असाइन किया वो है कोर्स 3, ओके तो अभी एक काम करते हैं, ये हम डिलीट कर देते हैं फॉर्मूला, अभी हम शीट 3 को भी शामिल करते हैं, प्लीज इंपोर्ट नेम C1 नंबर एंड स्लैश ए सेलेक्ट नंबर एंड स्लैश ए सेलेक्ट E2, ओके ये मैंने डिलीट कर दिया, सेलेक्ट C2 ब्लैंक E2 ब्लैंक कोर्स नेम C1 ब्लैंक C2 ब्लैंक ब्लैंक प्लीज अमाउंट D1 कोर्स नेम स्टूडेंट रोल 110 A2 110 रोल नंबर हमको, अब शीट 3 का डेटा भी हम चाहते हैं यहां पे आना चाहिए, तो देखिए
number n slash a b2 contains ये कोर्स के नीचे जो है स्टूडेंट नेम के नीचे फॉर्मूला है number n slash a b2 contains error एरर है, f2 करूंगा f2 edit type and text देखिए मैं फिर से आपको फॉर्मूला पूरा दिखा देता हूँ होम किया अभी जो करंट अभी जो फॉर्मूला है v equals sin v l o o k u p v lookup left parent start v lookup का dollar a dollar 2 dollar a dollar 2 ये lookup value है अब टेबल एरे देना है हमें कॉमा इफ फंक्शन को हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं इफ लेफ्ट पेरेंट इफ लेफ्ट पेरेंथेसिस स्टार्ट इफ इफ फंक्शन का कंडीशन यहाँ पे कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ओके तो इफ ए डॉलर टू ए टू लेस इक्वल्स 105 कॉमा तो क्या हो जाए कॉमा सी ओ यू आर एस ई वन कोर्स वन अदरवाइज कॉमा कोर्स टू सी ओ यू आर एस ई टू राइट पेरेंट राइट पेरेंथेसिस क्लोज इफ का कॉमा कॉमा अब कॉलम इंडेक्स नंबर सी ओ एल यू एम एन एस लेफ्ट पेरेंट लेफ्ट पेरेंथेसिस स्टार्ट कॉलम फंक्शन का डॉलर b dollar 1 colon c 1 okay right parenthesis close column function ka comma exact match ke liye 0 0 right parent itna bhai hamare paas formula hai ab hum sheet 3 ko bhi include karna chahte hain isme to aapko ek function aur use karna padega yahan pe ji ha functions ka hi khel hai excel mein aapko एक्सेल में बहुत मजा आता है बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सेल ओके तो एक और फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे वो फंक्शन क्या होगा इफ एरर आई एफ ई डबल आर ओ आर ये हम यूज करेंगे यहाँ पे ओके तो देखिए मैं फॉर्मूला के स्टार्टिंग में आ जाता हूँ होम प्रेस करके ओके होम प्रेस करूंगा ये इक्वल साइन है इक्वल साइन के बाद वी लुकअप से पहले मैं अप्लाई करता हूँ इफ एरर If error E R O O if error R O R if error अब leaf error का right parenthesis start sorry left parenthesis start shift plus 9 से parent okay left कर जाए अब एक काम करिए अब right हो जाएगा तो time लगेगा आप सीधा end कर दीजिए formula के end में आपको पहुंचना है formula के end में जाने के लिए मैं end press करूंगा end की right parent देखिए zero right parent right parenthesis इसके आगे कुछ नहीं है अब जो इफ एरर का हमने दिया है वो इफ एरर वाला हम यूज करेंगे यहाँ पे पहले आप कॉमा लगाइए कॉमा लगाया कॉमा अब शीट थ्री का डेटा हमें चाहिए तो आप एक काम करिए एक बार फिर से वीलुकअप अप्लाई कर दीजिए यानी कि हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि चलो वन मतलब एक कंडीशन तो हमारी हो गई कि वन अगर वन जीरो लेस देन इक्वल यानी 105 यानी 105 या फिर 105 से कम डेटा हो तो कोर्स वन वाला जो काम करे यानी शीट वन का डेटा हमारे पास आ जाए अदरवाइज शीट टू का डेटा हमारे पास आ जाए ये इफ में हमने कंडीशन दिया है अब एक कंडीशन और देते हैं चलो ठीक है मान लो हमने 110 टाइप कर दिया तो एरर आ गया अब एरर आ जाए तो क्या हो ये कंडीशन हमारी तीसरी कंडीशन है हमारी ओके तो राइट पेरेंट थ्रू डैश अक्रॉस राइट पेरेंट कॉमा कॉमा ओके कॉमा है कॉमा राइट पेरेंट जीरो राइट पेरेंट कॉमा लैंड ओके फॉर्मूला के एंड में कॉमा लगाया अब नेक्स्ट वी लुकअप आप रन कर दीजिए वी लुकअप वी वैल्यू एल ओ ओ के यू पी वी लुकअप अब राइट पेरेंट स्टार्ट वी लुकअप का Left parent. अब डालिए यहाँ पे डॉलर ए डॉलर टू डॉलर वन सॉरी वन नहीं ए वन ए डॉलर टू डॉलर ए डॉलर टू ये लुकअप वैल्यू है कॉमा कॉमा अब यहाँ पे क्या करना है अब सिंपल ये टेबल एरे दे दीजिए कोर्स वन कोर्स थ्री शीट थ्री में जो डेटा है उसको हमने मैंने असाइन किया कोर्स थ्री तो यहाँ पे कॉमा करके कॉमा कोर्स थ्री सी सी ओ यू आर एस ई थ्री कॉमा
अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे देना है कॉमा, टेबल एरर दे दिया। अब कॉलम फंक्शन यूज करेंगे कॉलम इंडेक्स के लिए, कॉलम्स लेफ्ट पैरेंट स्टार्ट कॉलम फंक्शन का डॉलर बी डॉलर वन डॉलर बी डॉलर वन, क्योंकि जो स्टूडेंट नेम की पोजीशन है वो सेकंड है ना, टेबल वन कोलन साइन कोलन और सी वन सीलिंग वन राइट पैरेंथेसिस क्लोज कॉलम फंक्शन का राइट पैरेंट कॉमा कॉमा थ्रू डैश अप्रोक्सिमेट मैच थ्रू डैश अप्रोक्सिमेट मैच 102 थ्रू डैश अप्रोक्सिमेट मैच एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो जीरो राइट पैरेंथेसिस क्लोज वीलुकअप का राइट पैरेंट और इफ एरर का भी राइट पैरेंथेसिस क्लोज राइट पैरेंट और एंटर एंटर लैंग B3। देखिए अब आया क्या, हमारे पास रोल नंबर क्या है लैंग A110A2। देखिए A2 में 110 रोल नंबर है जो कि शीट 3 में अवेलेबल है। अभी तक क्या हो रहा था, एरर आ रहा था। अब देखते हैं, मैं राइट एरो प्रेस करूंगा। देखिए विराट आ चुका है, स्टूडेंट नेम B1 विराट B2 कंटेन्स फॉर्मूला, शीट 3 का भी डेटा आना शुरू हो गया है। यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करिए, स्मार्ट वीलुकअप है, कॉपी किया या पेस्ट pasted from clipboard agriculture c2 देखिए एग्रीकल्चर formulas left parent left right escape land d2 agriculture c2 कॉपी किया और copy selection of clip land d2 fees amount के नीचे control v से पेस्ट pasted from clipboard 10000 this land d3 देखिए क्या मैजिक है। first cell row no a1 रोल नंबर 110 a2 110 डाला है हमने यहां पे रोल नंबर, और राइटर प्रेस करूंगा b2 देखिए विराट स्टूडेंट नेम है एग्रीकल्चर C2 एग्रीकल्चर इनका कोर्स नेम है 10,000 फीस अमाउंट है। चल के देख लेते हैं शीट 3 में डेटा है क्या, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। शीट 3 में हम आ चुके हैं, देखिए रोल नंबर के नीचे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, देखिए 110 है, मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, देखिए विराट स्टूडेंट नेम है विराट, और इनका कोर्स नेम क्या है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, वहां भी एग्रीकल्चर आया है विलुकअप में कोर्स नेम एग्रीकल्चर C2 और फीस अमाउंट क्या है 10,000 फीस अमाउंट D1 10,000 लैंड E2। तो ये मैजिक हो रहा है विलुकअप का। चलते हैं अगेन हम शीट 4 में जहां हम विलुकअप अप्लाई कर रहे हैं। शीट 4 एंड ऑफ शीट D2 8 सेल्स फर्स्ट सेल रो नो A110 110 110 आजाद है जितना हमारे पास डेटा है पूरा, हम कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। 104 देखिए 104 डाला मैंने, महेश संस्कृत C2 संस्कृत 4000 का फीस अमाउंट और 104 है, मैं 113 डालता हूँ, 113 एंटर लैंड A3 113 डाला रोल नंबर। अब देख राइट एरो प्रेस करूंगा, प्रियम B2 देखिए प्रियम इनका स्टूडेंट नेम है, बॉटनी इनका कोर्स नेम है, 13000 इनका फीस अमाउंट है। तो देखिए ये मैजिक एकदम चल रहा है, बस अब इसको अच्छे से सीखिए। मैं फॉर्मूला एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या है फॉर्मूला। प्रियम B2 कंटेन्स फॉर्मूला, प्रियम आया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा, F2 एडिट टाइप एंड टेक्स्ट, देखिए अब होम प्रेस करके इक्वल साइन पे आऊंगा, होम I equals इक्वल साइन, अब देखिए ध्यान से मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, I F E R R O R इफ एरर रोमियो, अब राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट इफ एरर का लेफ्ट पैरेंथ, अब देखिए V L O O K U P V lookup Papa left parent left parent start V lookup का dollar A dollar two ये lookup value हो गई comma comma table array I F if left parent is start if का dollar A dollar two less equals 105 ये हमारी पहली condition है comma comma C O U R S E 1 कोर्स 1 अगर
105 या 105 से कम हो तो कोर्स वन का डेटा आए, रिकॉर्ड आए, अदरवाइज कॉमा कोर्स टू. सी ओ यू आर एस ई सूप राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस क्लोज इफ का. अब कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा, यहाँ पे हम स्मार्ट वी लुकअप यूज करेंगे कॉलम फंक्शन. सी ओ एल यू एम एन एस लेफ्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट कॉलम फंक्शन का डॉलर बी डॉलर वन डॉलर बी डॉलर वन कोलन कोलन सी वन सी वन राइट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस क्लोज कॉलम फंक्शन का कॉमा कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो जीरो राइट पैरेंथेसिस क्लोज राइट पैरेंथेसिस ये वी लुकअप का राइट पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है अगेन कॉमा कॉमा. अब देखिए अब जो अभी तक हमारे दो ही कंडीशन फुलफिल हो रही है शीट वन और शीट थ्रू की शीट टू की सॉरी. अब शीट थ्री की कैसे कंडीशन फुलफिल होगी देखिए वी लुकअप क्लोज कॉमा शीट थ्री के लिए शुरू हो रहा है एल वी कॉमा वी. अब यहां से इफ एरर वाला फंक्शन काम करेगा कॉमा राइट पैरेंथेसिस ओके कॉमा के बाद वी एल ओ ओ के वी लुकअप यू ई लेफ्ट पैरेंथेसिस ओके डॉलर ए डॉलर टू ये लुकअप वैल्यू हो गई कॉमा कॉमा सी ओ यू आर एस ई थ्री कॉमा ओके सिंपल. यानी कि आप हम वी लुकअप से कह रहे हैं कि अगर 105 या उससे कम है तो शीट वन का डेटा या अदरवाइज हमें शीट टू का डेटा सर्च करा के दो. अगर एरर आता है इफ एरर तो शीट थ्री का डेटा आ जाए जिसको हमने असाइन किया है कोर्स सेल रेंज को नेम असाइन किया है कोर्स थ्री कॉमा कॉमा. अब कॉलम इंडेक्स नंबर सी ओ एल यू एम एन एस लेफ्ट पैरेंथ डॉलर बी डॉलर वन कोलन सी वन राइट पैरेंथ कॉमा जीरो राइट पैरेंथ राइट पैरेंथ ये वी लुकअप का राइट पैरेंथेसिस क्लोज और इफ एरर का राइट पैरेंथेसिस क्लोज एंटर लैंड बी थ्री इस तरीके से प्रियम बी टू कंटेन फॉर्मूला बॉडी सी टू कंटेन फॉर्मूला 13,000 डी टू कंटेन एफ टू. देखिए यहाँ भी मैं अमाउंट का के मैं फॉर्मूला आपको रीड करा देता हूँ. होम आई equals equal sign I F E R R O R if error left parent V L O O K U P left parent dollar A dollar two comma I F left parent dollar A dollar two less equals 105 comma C O U R S E 1 comma C O U R S E 2 right parent comma C O L U M N S left parent dollar B dollar 1 colon E 1 right parent comma 0 right parent. यहाँ पे E 1 है स्मार्ट फिलोकॉप काम कर रहा है कॉलम फंक्शन काम कर रहा है ओके comma right parent 0 right parent comma B L O O K U P left parent dollar A dollar two comma C O U R S E three comma C O L U M N S left parent dollar B dollar one colon E one right parent comma zero right parent right parent land or enter enter land D three इस तरीके से ये काम कर रहा है. मैं एक मैजिक आपको और दिखाता हूँ. मान लो अभी 113 हम रोल नंबर डाला तो यहाँ पे आ गया. अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी यहाँ पे डाल दो. मान लो मैंने 11 डाल दिया 114 डाल देता हूँ 4 enter land A3 114 A2 114 डाल दिया. हमारे पास 113 तक है रोल नंबर. अब 114 डालने में क्या होता है number n slash a b2 contains error contains error error आ गया number n slash a c2 contains error error number n slash a d2 contains error land A2 पूरे में error आ गया है 114 में. क्यों? क्योंकि 114 हमारे डेटा में है ही नहीं है इसलिए VLOOKUP error दे रहा है. अब यहां भी देखिए मैं चाहता हूं कि ये एरर ना दिखाए. जो हम चाहें वो दिखाए.
हमारे अकॉर्डिंग एक्सेल काम करे, ये हम चाहते हैं, हमारी ये कंडीशन है। तो तीन कंडीशन तो हम ऑलरेडी वीलुकअप को दे चुके हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, चौथी कंडीशन भी इसको दे देते हैं, यानी कि जब रिकॉर्ड में जो भी हम रोल नंबर एंटर कर रहे हैं वो रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो एरर ना शो करके जो हम चाहे वो दिखाओ, रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ पे आना चाहिए, ये हमारी चौथी कंडीशन है। ओके, तो कैसे होगा, देखिए ये भी देखिए, इसको डिलीट करते हैं, select number and select E2. Okay. Select C2, land E2, land course name, C, land C2. Delete हो गया है? Number one, land 114, A2. 114 है, अब यहाँ पे? Number and slash A, B2, contains error. Student name, B2. Student name के नीचे वाला formula मैंने delete नहीं किया है, इसी को हम formula को edit कर लेते हैं. Number and slash A, B2, contains error. अब चौथी condition हम इसको दे रहे हैं. F2 करूँगा मैं. F2, edit, type and text. Formula के starting में आ जाते हैं. Home press करके. Home. Equal sign. I, equals. देखिए. तीन कंडीशन तो हमने दिया है और बहुत एफिशिएंटली वीलुकअप काम कर रहा है, तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब हम चाहते हैं चौथी कंडीशन भी ये हमारी फुलफिल करे। ओके, इक्वल साइन के बाद हम एक और इफ एरर यूज करेंगे। देखिए इतने सारे फंक्शंस यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने पहले बताया कि आप जितनी शीट चाहें उतनी शीट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उतनी शीट्स का डेटा आप यहाँ पे सर्च करा सकते हैं। अभी मैं आपको तीन शीट का डेटा सर्च करा के दिखा रहा हूँ, आप चार पांच छह जितनी भी शीट चाहें कर सकते हैं। तो अब हम चौथी कंडीशन हमारी ये है कि भैया एरर आए तो यहाँ पे तुम रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाओ, इक्वल साइन के बाद I, एक और इफ एरर में लगाऊंगा, इफ R, R, O, R. Error. अब left parenthesis start. If error का? Left parent. Okay. अब एक काम करते हैं. End key press करके आप formula के end में चले जाओ. End key press किया मैंने. End. आगे हम formula के end में. Right parent. Land. अब यहाँ पे comma लगाना है. Comma. हमारी condition है कि error आए तो record not found दिखाओ. यहाँ पे कोड में डबल कोड के अंदर आपको लिखना है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जो भी आप चाहें, नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, जो भी आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, डबल कोड स्टार्ट शिफ्ट प्लस अपोस्ट्रोफी से कोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड, R E C O R D स्पेस N O T स्पेस F O U N D T T और डबल कोट क्लोज शिफ्ट प्लस अपोस्ट्रोफी से ही Close. और इफ एरर का राइट पैरेंथेसिस भी आपको क्लोज करना है शिफ्ट प्लस जीरो से राइट पैरेंट और एंटर प्रेस करिए। एंटर लैंड B3। अब रोल नंबर हमने क्या दिया है, लैंड A 114 A2 114 तो राइट एरर प्रेस करूंगा, अभी तक एरर आ रहा था, राइट एरर प्रेस करता हूं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड B2 कंटेन्स फार्मूला। देखिए एक और मैजिक आपने देखा, चौथी कंडीशन भी वीलुकअप ने हमारी फुलफिल की, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ चुका है C2, record not found, B2, इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, copy selection to clipboard, land C2, paste, paste it from clipboard, record not found, C2, land D, record not found, C, copy selection to land D2, paste it from clipboard, record not, fees amount, D1, देखे, paste recovery, paste, paste, add, con, escape, escape, court suit roll, fees, अब देखे, 114 है, अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, मैं डाल देता हूँ 111 enter land A3 111 A2 राइट एरर प्रेस करूंगा, rattle B2 contains formula 111 तो हमारे डेटा में है इसलिए ये राहुल का डेटा इसने हमें लाके दिया, राहुल पॉलिटिकल साइंस इनका कोर्स नेम है, 11,000 D2 contains formula 11,000 फीस अमाउंट है, land E2 देखिए बढ़िया काम कर रहा है। First cell, roll no, A111, A. अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर कुछ और, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, आप एकदम फ्री है, आपका वीलुकअप एकदम लॉजिकल तरीके से अब काम कर रहा है, मैं डाल देता हूँ कुछ भी, ट्रिपल टू मैंने डाल दिया है, देखिए राइट एरर प्रेस करूंगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्योंकि 220 ट्रिपल टू तो है ही नहीं हमारे डेटा में, record not found, see record not found, land E2. Okay, record not found.
अभी आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे और इसको लॉजिकल बनाने के लिए स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट नेम वाले में आप डाल सकते हैं स्टूडेंट नेम नॉट फाउंड, और कोर्स नेम के नीचे आप डाल सकते हैं कोर्स नेम नॉट फाउंड, और फीस अमाउंट के लिए फीस अमाउंट नॉट फाउंड। आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ पे डाला है। फाइनल एक बार मैं आपको फॉर्मूला और दिखा देता हूँ। कोर्स नेम के नीचे जाके मैंने F2 किया है, होम प्रेस करूंगा, देखिए इक्वल साइन I F E R R O R if error Romeo left parenthesis start if error का again if error double if error function का हमने यूज किया यहाँ पे I F E R R O R if error Romeo right left parenthesis start if error का left parent अब V L O O K U P V lookup Abba लेफ्ट parenthesis स्टार्ट lookup का लेफ्ट parent अब lookup वैल्यू देनी है डॉलर ए डॉलर टू ओके कॉमा कॉमा टेबल एरे यहाँ पे इफ फंक्शन यूज किया है आई एफ लेफ्ट parent डॉलर ए डॉलर टू lookup वैल्यू ए नहीं सॉरी मतलब इफ अगर ये lookup वैल्यू नहीं है ये इफ फंक्शन का है अगर ए टू में टू लेस इक्वल्स वन लेस इक्वल 105 तो क्या हो comma, C O U R S E 1 कोर्स 1 यानी शीट 1 का डेटा आ जाए कॉमा comma, अदरवाइज C O U R S E 2 कोर्स 2 अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो कोर्स 2 का डेटा आ जाए राइट parenthesis क्लोज इफ का कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर C स्मार्ट व्हील का कॉलम फंक्शन O C O L U M N S left parent ये left parenthesis start column function का dollar b dollar one colon d one d one three count कर रहा है यहाँ पे क्योंकि ये course name है course की position data में three है पहला roll number दूसरा student name और तीसरा course name parent one d one right parent right parenthesis close ये कॉलम फंक्शन का कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो जीरो राइट पैरेंथेसिस क्लोज वेलुकअप का राइट पैरेंट कॉमा कॉमा अगेन अब जो दूसरा इफ एरर है वो उसका वी अगर एरर आए तो विक्टर कॉमा वी एल ओ ओ ए यू पी ये वाला वेलुकअप अप्लाई हो जाए अगर एरर आए तो दोबारा से वेलुकअप अप्लाई कर दो हम ये वेलुकअप को हम बोल रहे हैं Left parent. Left parenthesis start VLOOKUP का अब lookup value dollar a dollar two dollar a dollar two comma comma table array c o u r s e three course three अगर error आए तो course three का data हमें लाके दो ये हम VLOOKUP को बोल रहे हैं comma comma column index number c o l u m n s Left parent. Left parent से start column function का dollar b dollar one colon d one okay d one right parent से close column function का comma exact match के लिए zero right parent से close ये VLOOKUP का है right parent से close if error का comma ये तीन condition तो हो गई अब हम चौथी condition भी fulfill करा रहे हैं VLOOKUP से अगर रिकॉर्ड ना मिले तो क्या हो comma. एक और इफ एरर क्लोज कोड में आर ई सी ओ आर डी रिकॉर्ड स्पेस एन ओ टी नॉट स्पेस एफ ओ यू एन डी फाउंड डबल कोड क्लोज क्लोज और इफ एरर का राइट पैरेंथेसिस भी राइट पैरेंट क्लोज और एंटर एंटर लैंड सी 3 Record not found. C2 contains formula. इस तरीके से. Record not 222 A2. अब कुछ भी आप रोल नंबर select 200 डालने के लिए आप आजाद हैं. 200 land A3 222 A2. मैं 108. One. 108. Enter land A8 A2. Roll no A8 A2. बस ने 8 ले लिया. 108.
Enter land A3108A2. Okay, 108. अब राइट एरो प्रेस करूंगा. इनायत देखिए, इनायत आ गया. जर्नलिज्म C2. जर्नलिज्म 8000. ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल शीट्स में VLOOKUP अप्लाई कर सकते हैं. ओके, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा. ओके, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए. चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बहुत जरूरी है. अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर डालिए. ओके, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा जो भी, आप कमेंट जरूर करिए. ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच.